पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा राज्य इकाई के निर्देश पर 12 जुलाई को समस्त संगठनों द्वारा 7 दिवस में कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने के लिए SDM त्योंथर को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जितने भी 17 संगठन हैं वो संयुक्त रूप से एक संगठन इकट्ठा बना करके संयुक्त मोर्चा का नाम दिया है। संयुक्त मोर्चा के तरह हम लोगों ने अपनी अपनी मांगें, उसमें कई संगठन के हैं, हर लोग हैं, तो उसमें यहाँ पर लोगों ने एक मांग हम लोगों की है। प्रत्येक संगठन के अलग अलग मांग है, जिसमें जैसे पंचायत विभाग के सचिव लोग हो गए, ग्राम रोजगार सहायक हो गए, इसी तरह से सब इंजीनियर हो गए, सहायक यंत्री कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, नरेगा के हो गए, संविदा हैं, इस तरह के तमाम 17 संगठन NRLM के हैं, इस तरह के तमाम 17 संगठन के लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। उसके बैनर तले अपनी एक मांग रखी मृतदेह शासन से। मध्य शासन को उन्होंने एक दिया, उन्होंने ज्ञापन कि हमारी ये मांगे हमें पूरी की जाए। और 12 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चा ने एक सामूहिक अवकाश लिया और ज्ञापन दिया कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो फिर हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। 7 दिन का समय दिया था, 7 दिन समय जब बीत गया तो 19 तारीख को उन्होंने संयुक्त मोर्चा के लोगों ने संगठन ने अपनी एक ज्ञापन दिया और ये कहा कि हम 2 दिन अवकाश पर रहेंगे, 19-20 को अवकाश पर रहेंगे, और यदि इतने भी शासन ने विचार नहीं किया तो हम फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन का अख्तियार करेंगे। उसी कड़ी में आज 22 जुलाई को हम लोगों ने आज आगाज कर दिया है कि अब शासन हमारी मांगे नहीं मानेंगी, हम लोग एक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले संयुक्त रूप से 17 संगठन के कर्मचारी लोग हम अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। उसी कड़ी में आज प्रदर्शन था और अब कंटिन्यू अनवरत क्रमिक जो है ये धरना चलता रहेगा जनपद कार्यालय के समक्ष। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।